हे द बैग लवर्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि एक अच्छा राइडिंग जैकेट में क्या क्या फीचर्स आपको देखने चाहिए उस जैकेट को लेने से पहले। सो डोंट वरी, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एक अच्छे राइडिंग जैकेट में कौन से फीचर्स आपको देखने चाहिए उसको खरीदने से पहले। सो इस वीडियो को लास्ट से जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं बाइक और बाइक एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस लाता ही रहता हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले आपको मेरे हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट बात करते हैं कार्ड्स के बारे में। आप किसी भी कंपनी का राइडिंग जैकेट क्यों ना ले लें, बट आपको ये चीज़ जरूर देखना है कि उसमें लेवल 2 का प्रोटेक्शन जरूर आता हो। लेवल 1 आपको प्रोटेक्ट करता है, बट बहुत सिचुएशन में लेवल 1 भी आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। तो जितना ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा है, तो लेवल 2 ज़्यादा अच्छा होता है। प्लस आपके जैकेट में मिनिमम 3 प्रोटेक्शन तो होने चाहिए, आपके बैक, आपका शोल्डर एंड आपका एल्बो। तो ये 3 प्रोटेक्शन ज़रूर होने चाहिए आपके राइडिंग जैकेट में। तो अभी बात करते हैं सेकेंड, जो है ऑल सीजन राइडिंग जैकेट होने चाहिए। अगर आप 7000 या फिर 8000 रुपीज़ दे रहे हैं किसी राइडिंग जैकेट के लिए, तो उस जैकेट में थर्मल लाइनर, ट्रेल लाइनर ज़रूर होने चाहिए, जो आपके ठंडे और बारिश के कंडीशन में आपको फुली बचाएंगे। तो अभी बात करते हैं थर्ड फीचर के बारे में, जो है रेन लाइनर। तो मोस्ट जैकेट में रेन लाइनर अंदर के साइड आता है, जो आपको फुली प्रोटेक्शन नहीं देता है बारिश से। क्यों? क्योंकि आपका जो जैकेट होता है वो तो बारिश से भीग जाता है, जस्ट पानी आपके अंदर तक नहीं आता, जस्ट वो आपको इतना ही प्रोटेक्शन देता है। तो आपको देखना है कि आपके जैकेट में जो रेन लाइनर है वो बाहर से लगे। आई नो वो हेडेक होता है आपको हर जगह रुक के पहनने में या निकालने में, बट वो आपकी जैकेट की सेफ्टी देती है। सोचिए, आपको 3 दिन तक उसी राइडिंग जैकेट को पहन के चलाना है, एंड पहले दिन में आपको राइडिंग जैकेट बाहर से भीग गया, तो बाकी 2 दिन आपको वही गीला राइडिंग जैकेट पहनना पड़ेगा, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। तो ज़रूर देखिए कि रेन लाइनर बाहर से लेने वाला हो, अंदर वाला नहीं। एंड अगर आपको मिल नहीं रहा है आपके प्राइस रेंज में, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप एक एक्स्ट्रा रेनकोट खरीद सकते हैं, वो भी आपसे 2 साइज बड़ा, ताकि आप अपने जैकेट के ऊपर उस रेनकोट को पहन सकें, जिससे आपका जैकेट सेफ रहेगा बारिश के टाइम में। होपफुली आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा एंड आपको समझ में आ गया कि आपको कौन से फीचर्स देखने हैं अपने राइडिंग जैकेट में राइडिंग जैकेट लेने से पहले। और अगर आपको मेरे ये कंटेंट पसंद आया, तो शायद आपको मेरे बाकी कंटेंट्स भी पसंद आएंगे जो अभी स्क्रीन में आ रहे हैं, तो उनको क्लिक करके देखना मत भूलना। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले आपको मेरे हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।